नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि लोग बड़ी कमियाँ निकालते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ऐसा कर रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस दिन कमियाँ निकालना एकदम छोड़ दोगे, जिस दिन हम तोहफे में तुम्हें आईना दे देंगे, खत्म हो जाओगे, समझे। और फिर कुछ लोगों की तो काबिलियत होती है कि आप कितना भी अच्छा कर लो, वो उसमें भी कमियाँ खोज ही लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये कमियां ना खोज के जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीरियस लेके पढ़ो। सिलेबस खत्म होगा नहीं होगा, इस चीज पे डिस्कशन में ज्यादा समय ना खराब करके, जब एक वादा हमने दे दिया कि हम खत्म कराएंगे तो कराएंगे ही कराएंगे, चाहे खुद खत्म हो जाए, कभी वो वादा पीछे हटेगा नहीं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार का अगर मैं सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल लूँ तो ये होता है कि जब आप छोटे पे या बचपन में अपने पिताजी के साथ उनके दोस्त की दुकान पे जाते होगे, तो वो कई बार कहते थे, जब आपके पिताजी कम पैसे उनकी जेब में रखते थे, अरे भाई साहब बस आपको दे दिया सामान, घाटे का सौदा कर लिया है, कुछ कमाया नहीं। क्योंकि वो झूठ बोलते थे, वो क्या करते थे कि उसमें कम तोल देते थे, समझ रहे ना आप। तो उन्हीं कुछ बेईमान दुकानदारों की आज हम चर्चा करेंगे। बेईमानी जीवन में कितनी भी कर लीजिए, आप कभी सफल हो ही नहीं सकते, आपका पेट कभी भर ही नहीं सकता, आपको वो संतुष्टि कभी मिलेगी नहीं। इसलिए हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ और जो मैंने अपने जीवन में अपनाई, कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलो, देर से सही लेकिन जीवन में मिलेगा बहुत कुछ, और वो हमेशा रहेगा भी लंबे समय तक। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं डिसऑनेस्ट सेलर से। एक तो मैं ये बात बता देता हूँ, आप कई बार मैं आपको सवाल करते हुए देखता हूँ तो पाता हूँ कि आप 1 रुपए का 1 ग्राम मानने के पीछे तुले रहते हैं, जबकि डिसऑनेस्ट सेलर के हम हर टाइप के सवाल करेंगे। आप देखेंगे किसी भी टाइप के एक सिंगल सवाल में भी मैं रुपए की कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ ग्राम से ही सारी चीजें निकाल देंगे। ठीक है, सवाल करने का तरीका। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ, और मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे एजुकेटर हूँ। वहाँ पे मेरे बहुत सारे लेसन्स डले हुए हैं और अभी नए लेसन्स आने वाले हैं अर्थमेटिक के, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और उन लेसन्स को देख सकते हैं। उससे पहले बस छोटी सी बात जो बताई जाती है प्रॉफिट लॉस में, वो बता देता हूँ कि भाई आपको पता ही है कि जब सीपी में प्रॉफिट जुड़ेगा तब एसपी बनेगा, या सीपी से लॉस घटेगा तब एसपी बनेगा। ठीक है, और अगर एमपी से डिस्काउंट घटेगा यानी कि छूट दी जाएगी एमपी पे, तो भी क्या बनेगा, एसपी बनेगी। इतनी सी बात बेसिक सी जो आपको पहले से भी पता है। अब मैं एक बहुत छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, एक छोटे से सवाल से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे आपने एक सवाल देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ए डिसऑनेस्ट सेलर गिव्स नाइन हंड्रेड ग्राम एट द प्लेस ऑफ 1 kg, बट ही सेड ही सोल्ड एट सीपी, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। पहले मैं सवाल बता देता हूं क्या है। सवाल ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पे बेचने की बात करता है, यानी क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। भाई मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम लेके आता है, बहुत छोटे से सवाल से हमने शुरुआत की है, 1000 ग्राम लेके आता है लेकिन देता कितना है, सिर्फ 900 ग्राम देता है। यानी जितना इन्वेस्ट उसने करा था 1000 ग्राम पे, उतना पैसा उसने 900 ग्राम में वसूल लिया। तो अब जो 100 ग्राम बच गया है वो उसकी प्रॉफिट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 900 ग्राम पे इसको 100 ग्राम प्रॉफिट है। आपको ये भी मालूम है कि आदमी अपनी प्रॉफिट सीपी पर देखता है, और 900 ग्राम उसकी सीपी भी है, क्योंकि 900 ग्राम में जितना उसने पैसा वसूला है उतना ही उसने इन्वेस्ट किया था। इसीलिए हमें रुपए में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि भाई इसको 900 ग्राम पे 100 ग्राम की प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि जो भी 100 ग्राम बच गया उसको भी तो बेचेगा। तो 900 ग्राम पे 100 ग्राम की प्रॉफिट है, ग्राम से ग्राम कट गया। अगर मैं 100 पे निकालना चाहूं तो 9 से दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा, यानी कि 100/9% इज द प्रॉफिट परसेंट, और यही सवाल का उत्तर है। 1 ग्राम ऐसा कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल जो मैं लेने जा रहा हूं वो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्सियल सवाल है, कंट्रोवर्सियल सवाल है,
इंग्लिश पे ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को लगता है कि 21% आंसर आता है, और कुछ लोग तो डायरेक्टली बोलते हैं कि 21% एसएससी मानती है। भाई एसएससी क्या है? गणित एसएससी से पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, गणित कभी नहीं बदलेगा, तो एसएससी गलत चीज को क्यों मानेगी? तो आज मैं ये कन्फ्यूजन भी दूर करूंगा कि 21% किस सवाल का उत्तर आता है और किस सवाल का उत्तर 22 पॉइंट समथिंग आता है। तो एक सवाल लिख लीजिए। ए डिसोनेस्ट सेलर, इतना लिखा हुआ है, इसी में ऐड करते हैं, डिसोनेस्ट सेलर सोल्ड हिज आर्टिकल एट सीपी बट ही चीट 10% वाइल सेलिंग एज वेल एज बाइंग इन वेट फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इतनी सी बात कर रहा है, सवाल में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं को सीपी पर बेचने की बात करता है, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वो खरीदते वक्त और बेचते वक्त 10% वजन में घपला करता है। अगर वजन में घपला करता है, इसका मतलब यह हुआ सीधा का सीधा कि ये आदमी 1000 ग्राम की जगह 10% ज्यादा यानी कि 1100 ग्राम लेके आएगा। भाई 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम, 1100 ग्राम लेके आएगा, लेकिन 10% कम देगा, मतलब क्या है, 900 ग्राम तोलेगा 1 किलो की जगह। भाई जब वो 1 किलो लेने गया तो 1100 ग्राम लाया, अब जब कोई उससे 1 किलो मांगने आएगा तब वो 900 ग्राम देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1100 ग्राम ला के 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम की प्रॉफिट है इस आदमी को। 900 ग्राम पे 200 ग्राम की प्रॉफिट है, 100 पे कितने की होगी, 9 से भाग लगा देंगे, 100, 200/9, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2%। कुछ लोगों को लगता है कि सवाल का उत्तर 21% आएगा, मैं बिल्कुल बता देता हूँ, सवाल का उत्तर 21% उस स्थिति में आएगा जब ये कहा जाएगा कि ये बिल में घपला करता है, ये जब बिल बनवाता है ना उसमें 10% का घपला करता है, यानी कोई 100 रुपये की चीज थी और इसने 10% ज्यादा 110 का बिल बनवा लिया या 110 का टैग लगवा लिया और फिर 110 का और लगा दिया घपला करके, तो ये 121 हो जाएगा। उस केस में हम कहेंगे कि 100 रुपये की चीज ये 121% में दे रहा है, 100 रुपये का कोई सामान था, जब इसने 100 का खरीदा 110 का टैग लगवा लिया, फिर दोबारा से फिर गया 10% ज्यादा का टैग लगा दिया यानी 121, तो 21% का घपला होगा। यानी कि अगर बिल में 10% खरीदते और बेचते वक्त होगा तो आंसर 21% होगा, अगर वजन में होगा तो 22.2% आंसर होगा, और ये सही आंसर है एकदम। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एसएससी ये मानता है या वो मानता है, नहीं, आपको ऐसा कुछ मानने की जरूरत है, जो सच्चाई है वो आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खूबसूरत सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए डिसऑनेस्ट सेलर मार्क हिज गुड्स 10% कर दें, 20% कर देते हैं, 20% मोर देन सीपी। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मार्क करता है अपनी वस्तुओं को एंड गिव्स टेन परसेंट डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट दे देता है, बट ही वेट 10% लेस एट द टाइम ऑफ
selling. Find his actual profit percent. मैं हिंदी में सवाल समझा देता हूं कि एक बेईमान दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं पे 20% अधिक मार्क कर लेता है, उसके बाद 10% डिस्काउंट दे देता है, लेकिन वो वजन 10% कम तोलता है। या ऐसा भी हो सकता है आपको लिखा हो 10% लेस के बजाय 100 ग्राम लेस, 100 ग्राम कम तोलता है, मतलब कि 1 किलो पे तोलता होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग बेचते वक्त। तो फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा ये बताना है, ठीक है। बड़ी आसान सी बात है भाई, मान लेते हैं कि 1000 ग्राम खरीदने का सपना था इस दुकानदार का और ये खरीद भी लाया। अब इस पे 20% अधिक मार्क कर देगा, यानी कि इसने इस पे कीमत डाल दी 1200 ग्राम। कहीं रुपया मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यकीन मानिए, मैं एक एग्जाम्पल ज्यादा लूंगा लेकिन आपके दिल में ये बात उतार के रहूंगा, कहीं भी आपको जरूरत नहीं। 1000 ग्राम लेके आया, 20% ज्यादा तोलता था, यानी कि 1200 ग्राम उसने मार्क कर दिया, 10% डिस्काउंट दे रहा है। अब 10% डिस्काउंट का मतलब कितना है कि ये बोल रहा है कि मैं 120 ग्राम के आपसे पैसे नहीं लूंगा, बोल रहा है 120 ग्राम के पैसे नहीं लूंगा। अगर ये 120 ग्राम के पैसे नहीं लेगा, यानी कि ये पैसे कितने के ले रहा है, 1080 ग्राम के ले रहा है। अभी तक इसने अपना तो कुछ नहीं लगाया, जो 1000 ग्राम लाया था उसी के साथ छेड़खानी कर रहा है, और उसको इसने 1080 ग्राम, यानी 1080 ग्राम देके अपनी कीमत वसूल ले रहा है, जबकि देता ही कितना है आप देखिए, 100 ग्राम कम देता है, यानी कि 900 ग्राम देता है, 900 ग्राम। जो आदमी 900 ग्राम दे रहा है उतने मूल्य में इसको 1080 ग्राम पड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 180 ग्राम कमा रहा है, 900 पे 180 कमा रहा है। अगर मैं 9 से भाग कर दूं इसको तो 100 पे कितना कमाएगा, 20, इसको भी 9 से करते हैं, 20% इसका प्रॉफिट है। एक बार चाहे तो इधर देख लीजिए कि मैंने ये कहा कि 900 ग्राम ये दे रहा है और पैसे 1080 के ले रहा है, यानी 180 ग्राम इसका फायदा है, तो 100 पे कितना होगा, 20% इस सवाल का उत्तर। इट इज क्लियर? मैं और सवाल भी लिख रहा हूं, आप देखेंगे और भी सवाल, अगले आने वाले 2 सवाल लगभग लगभग एक जैसे होंगे, बस डाटा का फर्क होगा ताकि आप बात को समझ पाए, आपके दिल में बात उतरे। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अर्थमेटिक के तरीके ऐसे हैं, देखो तो अगर आपको अच्छा पेपर करना है, मैं आपको बता दूं कि एडवांस में टाइम लगना है, और अर्थमेटिक में अगर आपने ये सब तरीके नहीं सीखे, आप वो पुराने तरीके पे चलते रहोगे, पुराने रास्ते पे, अब हाईवे बन गए भाई, एक्सप्रेस भी बन गए, आप अभी भी उन पगडंडियों पे चल के आपको क्या लग रहा है कि आप पहुंच जाओगे, बताओ आप मुझे। पहले मारुति 800 का जमाना था, अब मर्सिडीज का जमाना है, तो आप उन्हीं रास्तों पे चलने की बात करते हो, आपका माइंडसेट ऐसा है, फिर आप में और आपके पिताजी में अंतर कहाँ रहा, वो भी पुरानी सोच के, आप भी पुरानी सोच के हो, जो आपको आता है आप उसे बदलना ही नहीं चाहते, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सफलता मिल पाएगी। सपना सबका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सपना सबका 195 नंबर लाना है, इतनी आसानी से आ जाते हैं, जब तक इन तरीकों को आप दिल में नहीं उतारोगे आपको उतारने पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि कोई रास्ता कठिन है तो क्या हुआ यार, बार बार चढ़ेंगे फिर फिसलेंगे, बार बार चढ़ेंगे फिर फिसलेंगे, अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास, क्यों नहीं सफल होंगे, होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम उन लोगों से जो बाकी में अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, पुराने वाले जिस वे में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए, आपको ये नहीं पता, मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूँ, अगर अभी भी समझ सको तो समझ लेना, कि अगर आपको एक ऐसे रास्ते पे जाना है जिसपे बहुत जाम है, बहुत गड्ढे हैं, तो आपको पता होगा कि आप बहुत जल्दी थक जाते हो और आप इरिटेट हो जाते हो 10 किलोमीटर में ही। वहीं आपको यमुना एक्सप्रेस वे से जाना हो और 1 घंटे के सफर में आप 180 किलोमीटर भी 1.5 घंटे में तय कर लेते हो और फिर भी थकान महसूस नहीं करते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ये है कि रास्ता बहुत स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो आप लगातार 10 सवाल नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, घर पे भी आप करते होगे, अगर आप एक्स वाई जेड मान के एक्स मानोगे, एक्स की याद आएगी, वो तो खैर छोड़ो मजाक की बात होगी, अगर आप एक्स वाई जेड मान के बहुत ज्यादा लंबे सवाल आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 15, लेकिन अगर पेपर में आपको 100 सवाल लगातार करने हैं तो आपका दिमाग थकना नहीं चाहिए, और वो तभी ऐसा हो सकता है जब आपके तरीके बहुत स्मूथ हो, बहुत सॉफ्ट हो, नहीं तो आपका दिमाग थकेगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद इंग्लिश का पेपर भी आपको देना है, आप पुरानी चीजों को भूलिए और थोड़ा सा नई चीजों को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। इस सवाल को हम कर रहे हैं, सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा चेंजेज है कि भाई एक दुकानदार क्या करता है, डिसऑनेस्ट सेलर मार्क्स इज गुड 20% मोर देन सीपी एंड गिव्स 10% डिस्काउंट, बट ही वेट
10% या चीट कर दीजिए, यहाँ पे चीट सही रहेगा वर्ड, ही चीट 10% वाइल सेलिंग एज वेल एज बाइंग। इसका मतलब यह है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% मूल्य अंकित करता है सीपी से और 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन वो खरीदते और बेचते वक्त 10% का घपला करता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा मैं बता देता हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो 1000 ग्राम पे ही खेल शुरू कर देता है, उसको लगता है यार 1000 ग्राम 20% अधिक कर देते हैं और फिर उसको टाइम लग जाता है, लंबी सी कैलकुलेशन हो जाती है। जबकि हमें करना क्या है, हम ये देखेंगे कि यार उसने खरीदते वक्त भी 10% की चीट की और बेचते वक्त भी 10% का चीट किया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर 1000 ग्राम था तो ये आदमी लेके भी 1100 ग्राम आया था, 10% ज्यादा लेके आया था। उसके बाद इसने क्या किया, इस पे 20% अधिक मार्क कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा अगर हम 1000 को ही पहले 1200 कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप सवाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1100 ग्राम हो गया, अब उसने इस पे 20% ज्यादा मार्क कर दिया, तब ये कितना होगा, 1320 ग्राम हो जाएगा। भाई 1100 का 20% कितना होगा, 220 ग्राम होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसने 1320 ग्राम इस पे अंकित कर दिया। अब ये 10% की छूट दे देगा, 1320 का 10% कितना होगा, 132, 132 ग्राम की छूट दे देगा। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 1188 जीएम, 1188 ग्राम दे रहा है। लेकिन 1188 ग्राम के ये पैसे वसूल रहा है। आपको भी मालूम है कि ये तो 10% 1000 ग्राम का भी कम तोलता है, यानी कितना देता है, 900 ग्राम देता है। अगर ये 900 ग्राम देता है और पैसे 1188 ग्राम के ले रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको 900 पे 288 ग्राम का प्रॉफिट होता है। अगर इसको 900 पे 288 ग्राम का होगा तो 9 से भाग लगा दें तो 100 पे कितने का होगा, 32%। और यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी पेपर में आ रहे हैं। मैं एक और खूबसूरत सा सवाल ले लूंगा जो शायद हाल फिलहाल ही किसी एग्जाम में आया है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, पहले आप इसको समझ लीजिए। मैं फिर से समझाता हूँ, 1000 ग्राम था, इस आदमी ने क्या किया, 10% ज़्यादा लेके आया यानी 1100 ग्राम, और उसके बाद इसने 20% अधिक मार्क कर दिया, मतलब कि 1320 ग्राम उस पर कीमत डाल दी, 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी पैसे 1188 ग्राम के वसूल रहे, और उसके बाद 10% कम तोल रहा है यानी 900 ग्राम तोल रहा है, तो 288 ग्राम की इसको प्रॉफिट है, 900 पे 100 पे कितने की होगी, 32 की। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं बहुत खूबसूरत सा, इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल ये है कि ये डिसऑनेस्ट सेलर, इस डिसऑनेस्ट सेलर मार्क्स अप हिज गुड्स 80% मोर देन सीपी। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 80% अधिक अंकित करता है, ठीक है, इतनी सी बात थी। एंड गिफ्ट 25% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट देता है, ठीक है, इतना था। लेकिन जब वो खरीद के लाता है तो 20% की बेईमानी करता है, ये था, और जब वो बेचता है तो 10% कम तोलता है। ही चीट 20% एट द, ये भी अच्छा सवाल है, एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड 10% एट द टाइम,
डिस्कस करते हैं। एक मैं बहुत खूबसूरत सा सवाल, ऑफ सेलिंग, आपको बहुत मजा आएगा, उसके बाद हम एक फॉर्मूला भी जानेंगे। फाइन, आज मैं बैक टू बैक सवाल लिख रहा हूँ, मैंने कहीं ब्रेक नहीं लिया, आपको बता दूं। मैं चाहता हूँ कि एक लंबी सी वीडियो आपको दे दी जाए ताकि आप पढ़ें, प्रैक्टिस एक्चुअल करें, और फिर ये ना कहें कि जल्दी जल्दी प्रॉफिट वीडियो नहीं आ रही, पेपर डिसाइड नहीं है यार। परसेंट। बड़ा अच्छा सवाल, अब सवाल ये है कैसे मैं आपको यकीन एक बेईमान दिलाऊं, जब दुकानदार इतनी अपनी वस्तुओं वस्तुओं पर पर अस्सी 80 एक वो परसेंट जमाना मार्क था, एक करता है वो दौर था सीपी से, जब हमें और जादू 25% पे भी का यकीन था, डिस्काउंट जब देता है, हकीकत पे और भी शक 20% करते हैं, की कमाल हो गया बेईमानी था। करता है खरीदते आपको वक्त और कैसे मैं 10% यकीन कम दिलाऊं, तोलता है बेचते वक्त, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? दिल में उतर, वो एक मान गाना लेते भी दिल हमें में बताई कि उतर कर 1000 देख ग्राम ले ना, 1 किलो यकीन में आए बनता तो है, फिर दिल बदल कर अब वो देख बीस लो। परसेंट तो खरीदते वक्त ही बेईमानी कराता है, यानी कि वो 1200 ग्राम लेके आता है खरीदते वक्त, 1200 ग्राम ले आया, अब इस पे 80% वो ज्यादा मांग कर देता है। 80% का मतलब हो गया 12 8 96, 960 ग्राम। ये एक थोड़ा अलग तरीके का सवाल है तो बहुत बारह आसान सौ सवाल। ये प्लस कह नौ रहा है सौ कि साठ एक ग्राम दुकानदार, लिख देता हूं मैं बीस इसको किलो जोड़ नहीं चीनी रहा, बेचता है क्यों ना चार जोड़ सौ रहा, उसकी वजह बताऊंगा। आदमी इसी में फंस जाता है, पहले नौ निकालेगा सौ 1 किलो साठ चीनी कितने की पड़ेगी, ठीक ठीक है, है, इतना उसने 1 किलो मांग कर चीनी दिया। कितने अब की वो क्या पड़ेगी ये करेगा, हिसाब किताब पच्चीस लगा रहा है, परसेंट जबकि कोई डिस्काउंट जरूरत नहीं, देगा कस्टमर तो उससे मुझे कहता है पच्चीस इस परसेंट परसेंट मुझे मुझे भी माइनस माइनस करना, करना, 25% का मतलब होता दुकानदार है को 1/4। कहता है, हर आदमी तो कहता है मुझे भाई पता है भाई डिस्काउंट के एक लिए, बटा चार और मैं वो इसका तैयार भी करूंगा हो तो मैं, जाता है, लेकिन लेकिन वो वो करता माइनस कर क्या है दूंगा कि 4% कम कम तोलता तोलता है, है, 40% तो कर दूंगा, एग्जैक्ट इतनी बात डिस्काउंट परसेंट परसेंट पूछ रहा है। क्योंकि बड़ा 24 8 96 आसान होते होते हैं। हैं, देखो तो आप 12 एक इसमें बात से बताओ, 300 मान 900 लेते हैं कि वो 100 आराम ग्राम से घट चीनी ले जाएगा, गया, तो ये बचेगा कितना? अभी भी सौ मैं बीस इसलिए ले मान मानो, रहा हूँ देखो क्योंकि आप इसको परसेंट का 900 किला 4% प्लस कम तोलता है, 720 तो उसने दुकानदार को बोला होगा कि भैया आप इतना 100 ग्राम ग्राम हो चीनी जाएगा, की बजाय अब मुझसे आपको ये 80 ग्राम मालूम के के पैसे पैसे ले ले लो, लो, यही बोला होगा ये उसने उससे, 10 ग्राम कम तोलेगा, 20% अगर दस कम ग्राम कम डिस्काउंट तोलेने देने का का मतलब क्या, बीस यानी ये परसेंट कितना अस्सी देगा, ग्राम के 900 पैसे देने ग्राम की देगा। बात कही होगी, आपको दुकानदार साफ साफ बेचालू था दिख रहा है उसने, कि ये चार प्रॉफिट कितने परसेंट का कम लेगा, अगर तोल ये दिया इतने की इसका जगह मतलब ये 900 हुआ कि ग्राम उसने देगा, 96 ग्राम, प्रॉफिट 720 ग्राम का लेगा, तो यानी ये अगर हम 720 ग्राम इसका देखें प्रॉफिट तो है हम ये 900 कह का, सकते हैं कि तो भाई 100 पे कितने 96 ग्राम का वो होगा उससे लेके भाग आया है, जाएंगे, जिसमें 80 ग्राम 100 के पे उसने 80 पैसे परसेंट दिए हो हैं, जाएगा, 80 यानी कि परसेंट उसको इसका मतलब 16 ग्राम का डिस्काउंट मिला है, तो ऐसे भी बहुत सवाल कितने पे मिला है, आएंगे पेपर 96 पे में, मिला है, तो हम कुछ 16 और बटा सवाल, 96 मतलब कि 1/6 का है, जिसको हम कह सकते हैं 16 2/3% डिस्काउंट। तो बेईमान दुकानदार पे एक ये भी बहुत अच्छा सवाल था, जिसमें हम कोई रुपीज या किसी भी तरीके का कोई यूज नहीं करेंगे और उत्तर हमारे हाथ में होगा, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको बेईमान दुकानदार का, अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपसे फंसता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे के जो मैं 2 सवाल लूंगा उनमें मैं फॉर्मूला भी यूज करूंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो आप तैयार हैं कॉपी पेन और कागज के साथ? वो इसकी दास्तान लिख गई या नहीं लिखी अभी? कॉपियां भर गई होंगी, हैं, रजिस्टर भर जाएंगे, लेकिन वो दास्तां कभी खत्म नहीं होगी। पहला इस पहला होता है पता है, जब आप कॉपी पे नाम लिख लिख के देखते हैं, मतलब सिर्फ एक देखने का अलग मजा होता है पहले इसका, सिर्फ देखना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नजरें मिली हैं, उन्होंने मुस्कुरा दिया, इतना जोश आ जाता है, ऐसी नींद आती है जो कम वक्त 10 गोलियां नींद की नींद नहीं दे सकते। मुसीबत आती है दूसरे, मुझे लगता है कि पहले के बाद तो होता ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दोबारा भी होता है। दूसरा इस कुछ इस तरीके से है, जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक की पानी भर लें तो खुशबू जाती नहीं, कोल्ड ड्रिंक बड़ा टाइम लेती है, यानी आपने पानी तो भर लिया लेकिन खुशबू गई नहीं, तो दूसरा इस वो है जिसमें पहले इसकी खुशबू रही जाती है, कहीं ना कहीं वो यादें, कहीं ना कहीं वो कसक मन में हमेशा उठती रहती है कि आखिर हम क्यों नहीं पा पाए। चलिए खैर ये बात है तो हम करते रहेंगे, और इन सब से कैसे निपटना है, क्या इनके तरीके हैं, क्या इलाज है, उन सब हम बात करेंगे। उससे पहले हम वो फॉर्मूला और 2 सवाल देख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बोरियत ना फील हो। तो एक फॉर्मूला मैं लिखाने जा रहा हूँ, उसको बड़ा ध्यान से समझेंगे और मैं अप्लाई करना भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला ये है कि भी 100 + g / 100 + -x = true अपॉन फॉल्स, ठीक है। जी क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल या फिर इसको कह सकते हैं हम एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस, वैसे तो लॉस होता नहीं बेईमान दुकानदार को, हमेशा प्रॉफिट होता है, ये एक्चुअल है। ये एक्स क्या लिखेंगे, सेड बाई सेलर, दुकानदार जो बताता है, जैसे कभी वो ये कहेगा कि 10% का लॉस है, यानी एक्स का मान -10 हो जाएगा,
कभी वो बोलेगा कि मैं तो अपने आर्टिकल को सीपी पर बेच रहा हूं, यानी कि एक्स जीरो हो जाएगा। कभी वो बोलेगा कि मैं आपसे सिर्फ 5% प्रॉफिट ले रहा हूं, तो एक्स का मान 5 हो जाएगा। ट्रू, जैसे 1000 ग्राम 1 किलो की ट्रू वैल्यू है। अगर कोई आदमी 900 ग्राम देता है तो 900 ग्राम क्या है? फाल्स है। जैसे ट्रू 100 सेंटीमीटर ट्रू है 1 मीटर में, लेकिन अगर कोई 80 सेंटीमीटर दे रहा है, फाल्स है। जीवन में दो ही बातें याद रखनी है, एक तो कभी फाल्स कमिटमेंट लोगों को नहीं करने चाहिए, दूसरा रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे रिश्ते आज इसीलिए मर रहे हैं कि हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो चीज हो नहीं सकती, जिसको हम खुद नहीं कर सकते दूसरे के साथ, लेकिन हम उससे उम्मीद लगा लेते हैं कि यार वो ऐसा करेगा, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हमें हर्ट होता है, हमें दुख लगता है। तो लाइफ में कभी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मत सेट कीजिए। आप अच्छे से अच्छा करिए और खराब से खराब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए हमेशा। जीवन में कभी आपको निराशा नहीं लगेगी, बहुत मुश्किल है ये कर पाना, लेकिन कोशिश करिए, कम से कम आदत में डालिए, थोड़ा होगा फिर और थोड़ा होगा, हर चीज ऐसे ही आदत पड़ जाती है उसके बाद। तो ये फॉर्मूला है, जैसे एक सवाल लिख के मैं इस बात को समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर शायद 7 होगा आज की क्लास का। ए डिसऑनेस्ट सेलर सोल्ड हिज आर्टिकल्स एट 6 1/4% लॉस। एक दुकानदार ये कह रहा है कि मैं अपनी वस्तुओं को 6 सही 1/4% लॉस पर बेचता हूं, बट यूज 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम, लेकिन 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम ही देता है। तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा के आपको दिखा देता हूं, बिना फॉर्मूले के भी करके बता देता हूं। देखिए 100 और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ रहा है, जो इसने बताया है वो है 100, लॉस बताया है, तो एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी है? -25/4%। तो 100 -25/4 = ट्रू वैल्यू 16 ग्राम है, फाल्स 14 ग्राम, ये दे रखा है। इसको हम कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8/7, मल्टीप्लाई कर लें तो ये 700 + 7g = 800 - 50। तो 7g कितना आ जाएगा भाई? 50, यानी g = 50/7%। 7 सही 1/7% इस सवाल का उत्तर होगा। ये तो हमने फॉर्मूले से कर लिया। अगर जो तरीका मैं अब तक आपको सिखा रहा था कि हम ग्राम से हर सवाल को कर लेंगे, वो क्या होगा वो भी जान लेते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। जो स्टार्टिंग के 1-2 सवाल थे जिसमें अगर डिस्काउंट ना हो तो वो सारे सवाल इस फॉर्मूले से हो सकते हैं। अगर डिस्काउंट ना हो तो हर सवाल आप इस फॉर्मूले से कर पाएंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन आपके ऊपर है कि आप फॉर्मूला याद रख पाते नहीं रख पाते, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लें, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे 6 1/4% का मतलब कितना होता है? 6 1/4% का मतलब होता है 1/60। ठीक है, आपको पता है इसका डबल करेंगे 12.5%, 1/8 होता है उसका आधा है, तो 1/16 हो गया। कहने का मतलब है कि भी 16 ग्राम चीज ये लेके आया था और ये लोगों को क्या बोल रहा है कि मैं 1/16 का लॉस खा रहा हूं, यानी 1 ग्राम का लॉस खा के बेच रहा हूं, मतलब कि मैं 15 ग्राम बेच रहा हूं, ये बोल रहा है लोगों को। ठीक है, लेकिन ये दे कितना रहा है? 14 ग्राम दे रहा है, लेकिन ये लोगों को 14 ग्राम दे रहा है। तो 15 ग्राम का पैसा लेके ये 14 ग्राम दे रहा है, यानी कि ये 1 ग्राम तो कमा ही रहा है। तो ये आदमी अगर 14 पे 1 ग्राम कमा रहा है, 100 पे कितना कमाएगा? 100/14 बोले तो 50/7%। ये इस सवाल का उत्तर है, यही फॉर्मूले से आ रहा था, यही तरीके से आ रहा है। 14 पे 1 ग्राम कमाने का मतलब 1 पे 1/14, 100 पे 100/14। एक और ऐसा सवाल ले लेते हैं, फॉर्मूले से आप खुद करिएगा या मैं करके दिखा दूंगा,
लेकिन तरीके से मैं करना बता देता हूँ, ठीक है। एक आखिरी सवाल बेईमान दुकानदार पे, इतने ही टाइप के सवाल हैं जो बेईमान दुकानदार पे बनते हैं, बाकी हम और टाइप के सवाल बनाएंगे या करेंगे आगे की वीडियोज में पार्ट वाइज, ताकि कुछ भी छूट ना जाए। बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास और यकीन दिलाने के लिए कुछ है नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा या नहीं। आप देखेंगे कि अगर मैं एक टॉपिक भी लेता हूँ छोटा सा डिसऑनेस्ट सेलर, मैं चाहता तो दो सवाल पढ़ा के खत्म कर सकता था ना, आपको क्या पता लगता कि डिसऑनेस्ट सेलर में इतने तरीके के सवाल बन सकते हैं। लेकिन मैं सारे कमा बता रहा हूँ, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं होगा सिलेबस नहीं होगा। कुछ लोग पता नहीं ऐसा लगता है बने ही कमियां निकालने के लिए, कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ कहना है, इस ग्रुप पे उस ग्रुप पे बस कहते रहेंगे, दूसरे को परेशान करते रहेंगे। आपने क्या किया जीवन में, आप अपने आप को कहां तक ले गए, क्या तरक्की की आपने अब तक, आपने कितनी सफलताएं पा ली, कुछ है आपके पास प्रूफ? सिर्फ दूसरों को नीचे गिरा के आप सोचते हैं कि आप बहुत महान बन गए, किसी की भी बुराइयां करके, किसी का भी नाम लेके, किसी का भी नाम बिगाड़ के, किसी को भी गाली देके आपको लगता है आपने बहुत महानता का काम किया है, आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का, ठीक है। जिस दिन आईना देखोगे खुद से नफरत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सवाल के साथ। इस शॉपकीपर सेड दैट ही सोल्ड हिज गुड्स एट 15% लॉस। एक दुकानदार ये कहता है, बेईमान नहीं लगाया हमने, खुद लगा लीजिएगा, ठीक है, आपका नाम लिख लीजिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% लॉस पर बेचता है, बट ही गॉट 25% प्रॉफिट एक्चुअली। एक्चुअली से मुझे एक बात याद आई कि कुछ लोग अपने आप को सिर्फ इतना इंग्लिश समझते हैं कि उन्हें इंग्लिश बहुत आती है, दो चार वर्ड सीख जाएंगे, एक्चुअली बात बात पे, एक्चुअली ऐसा हुआ था, एक्चुअली वैसा हुआ था, पापा ने ये कहा था, एक्चुअली ऑब्वियसली सीरियसली रियली, ये दो तीन वर्ड बस आएंगे इंग्लिश, ऑफकोर्स बात बात पे, खाना लेंगे ऑफकोर्स, दो रोटी कम लेंगे ऑफकोर्स, जहां जरूरत है नहीं है बस ऑफकोर्स, या मतलब दो तीन वर्ड से ही लोगों को लगता है कि अंग्रेजी आ गई और हमें कुछ नहीं आता। अरे अंग्रेजी आने से क्या फर्क पड़ता है, विदेशों में कुत्ते भी अंग्रेजी बोलते हैं बता दें आपको, ठीक है, हमारी अपनी अंग्रेजी है, हमने खुद डिजाइन की है, भार्गव डिक्शनरी हमने निकाली, बट ही गॉट 25% प्रॉफिट एक्चुअली, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि फाइंड द वेट विच ही गिव्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब कितना वजन है जो 1 kg की जगह वो देता है अगर वो ऐसा करते हैं। तो पहले फॉर्मूला लगा ही लेते हैं, आपको आंसर पता लग जाएगा। 100, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 25%, बता कितना रहा है 15, लॉस बता रहा है, बराबर ट्रू वैल्यू कितनी होती है 1000 ग्राम, फाल्स हमसे पूछिए, ठीक है। ये कितना होगा भाई 125, ये कितना होगा 85, 125 से कितनी बार कटेगा 8 बार, एफ कितना आ जाएगा 85 × 8, 17 × 68 680 ग्राम, ये सवाल का उत्तर आ गया अगर हमने फॉर्मूले से किया। अगर आप फॉर्मूले से नहीं करेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी हम आसानी से सवाल का उत्तर निकाल पाएंगे। कैसे, मैंने बहुत जल्दी मिटा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा वापस से, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यार एक्चुअल 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, ठीक है, और एक्चुअल प्रॉफिट है 25% का, यानी कि 125% की वैल्यू। आपको बस कुछ नहीं करना, एक्चुअल को एक्चुअल से कंपैरिजन करना, ठीक है। तो 1% कितना आ जाएगा 8 ग्राम, लेकिन ये लोगों को क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ से कंपैरिजन करना है। ये बोल रहा है कि मैं 15% लॉस पे बेच रहा हूँ, यानी 85%, तो फिर ये दे कितना रहा होगा 85 × 8 बराबर 680 ग्राम। तो आप इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमने 8 तरीके के अलग अलग सवाल किए और बाद में हमने फॉर्मूला भी जाना कि किस तरीके से हम और इन सवालों को कर सकते हैं, एक डिफरेंट वे क्या हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल और मेरा ये मेथड बहुत पसंद आया होगा, जहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्राम में बात की। मैंने कहीं ये नहीं लिखा 1 रुपए का 1 ग्राम, बड़ा कंफ्यूजिंग है वो। और फिर हम क्यों लिखें, क्योंकि हमें तो माइक्रो सेकेंड पेपर में बचानी है, हमें कम से कम समय में सवाल को करना है। सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, 40 लाख लोग बैठते हैं, सिर्फ 4,000 सेलेक्ट होते हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वो लोग हैं, आपको क्या लगता है कि यही लोग पेपर कर पाए थे? नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कम टाइम में उनसे ज़्यादा सवाल किए जो लोग बाहर हो गए। सारा कंपटीशन तो यही है, तो आपको ये तरीके सीखने हैं। और अभी बहुत वक्त है पेपर का, अभी आप सीख सकते हैं। एक ही वीडियो को, वीडियो का फायदा क्या है, आप एक वीडियो को 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 6 बार देखिए, तब तो आपको समझ आएगा। जब तक आप मन में नहीं ठानेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जीतना है तो जीत करनी पड़ेगी, तभी जीत संभव है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।